कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे पिता गोपाले गुरु वैष्णव भगवान को यथाजग दंडवत प्रणाम सदर अभिनंदन करता हूँ। हम लोग गौड़ीय कंठहार से नियमित रूप से कथा चल रही थी, अभी हम वैष्णव तत्व प्रसंग चल रहा है और हमारे पूज्य श्रीधर महाराज सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के उपदेश से हम लेते हैं, क्योंकि आजकल साधु के नाम में पहचाना नहीं जाता है ना। जो साधु है उनका तो खूब नाम है और जो साधु ना नहीं है भंड है कपटी है ना, उनका ज्यादा दिखाई देता है। अब इसका पहचान क्या है ये बता रहे हैं। कहते हैं गीता में, विद्या विनय संपन्न ब्रह्मणि गोवी अस्तिनी सनिच्चै वसवाके च पंडिता समदर्शिना। कहते हैं कि अप्राकृत गुण प्राप्त समस्त ज्ञानी प्राकृत गुण द्वारा उत्तम मध्यम और अधम रूपी वैषम्य का परित्याग कर विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता और चंडल सबके प्रति समदर्शी होकर पंडित संगा से उपहित होते हैं। समदर्शी कैसे समदर्शी कहते कि ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता चंडल सबके प्रति समदर्शी। समदर्शी का मतलब ये नहीं है कि कुत्ता भी ब्राह्मण है क्या, बताइए यहाँ क्या विचार है। जीवात्मा ही है। हाँ, उनकी शरीर दर्शन नहीं है चमड़े वाला, ये गोरे है तो अच्छे हैं काले हैं तो बेकार है ऐसा नहीं। इसको बताया गया चमार, जो चमड़ा दर्शन करता है ना, तो ये चमार बनना नहीं है हमें। कहते हैं कि सबको अंदर आत्मा को देख रहे हैं, जो दिव्य आत्मा रहती हैं चींटी से लेकर के ब्रह्मा जी तक सबके अंदर एक ही आत्मा रहती है ना। वो आत्मा पुण्यात्मा है ना, सुकृति अवन आत्मा उसी भेद है, लेकिन है तो ये दिव्य चीज। तो इस तरह से जो आत्मदर्शी है और सबको सम्मान करते हैं, क्योंकि ये शरीर नहीं देख रहे ना, परमात्मा जो है भगवान का सम्मान कर। आगे जाकर के कह रहे हैं कि पंडितों ने वैष्णव की सेवा की मुक्ति की द्वार, सेवा को मुक्ति की द्वार बताया और स्त्री संगी के संग को नरक का द्वार महत्व सेवांग दार महा विमुक्त स्तंभदारम जस्तम संगी संग। ये तो भागवत का संग है, कपिल देवभूति संवाद से है ना, कपिल देवभूति संवाद। वैष्णव का संग मोक्ष के द्वार, स्त्री संग जो है नरक के द्वार बताया गया, क्योंकि उसमें काम क्रोध ये सब इच्छा पूर्ति करते हैं। महापुरुष वही है जो समान चित्त परम शांत क्रोधहीन सबके हित चिंतक और सदाचार संपूर्ण हो, मुझे ईश्वर और मेरे प्रेम को ही जो एकमात्र पुरुषार्थ मानते हो, केवल विषय को ही चर्चा करने वाले लोगों को तथा स्त्री पुत्र और धन आदि सामग्री से संपूर्ण घरों में जो अनासक्त हो तथा जो केवल शरीर निर्भाव को जो कि धन से अधिक की अपेक्षा नहीं करता, धन की जरूरत है धन सभी को संचित नहीं करता है, संचित नहीं करना चाहिए, जितनी जरूरत है उतना ही। आप कहते हैं हमको ये नहीं पता कितनी जरूरत है, तो दो रोटी है ना, दो नहीं चार रोटी मांगो, चार रोटी सुबह चार रोटी शाम को चार रोटी दोपहर को, तो आप कितने बार रोटी हो गए, तीन चार बारह रोटी, बस इससे ज़्यादा रोटी क्या करें।
उतना ही ठीक है ना, 100 साल का गट्ठा लेके चलते हैं। तो ये श्लोक बताया, वहाँ तो शिवम धर्म और विमुक्ते स्तमधरम जसितम संगी संगम महंतस्ते समचित्ता प्रसन्त विमन्नम सुहित साधन जे। तो जबकि पूछा देवहूति देवहूति ने माता ने, तो कपिल देव ने कि साधु का पहचान क्या है, तो पहचान क्या बताया, वो समचित्त वाले होंगे जो हर तत्वदर्शी वाले परम शांत है, यानी भगवत निष्ठ सेवा में है और कुछ नहीं, केवल कृष्ण गुरु वैष्णव की, गुरु वैष्णव भगवान की सेवा में, जीव के कल्याण में, अपने भी कल्याण जीव के, क्रोधहीन जिनका अंदर कोई क्रोध नहीं होता, सबके हित चिंतक, साधु सबको उपकार के लिए एवं सदाचार संपूर्ण, सदाचार सदाचार है ना, शास्त्र में जो बताया गया सदाचार, हमेशा भगवान का जो भजन करते हैं वो सदाचारित होंगे और ईश्वर में प्रेम करेंगे, प्रेम ही उनका पुरुष होता है, ऐसे जो व्यक्ति हैं हे माता आप उनको साधु समझ, खाली ये कपड़ा पहन लेने से नहीं, गुण होना चाहिए, गुण होना चाहिए। तब बोले महाराज आप तो कपड़े का निंदा कर रहे हैं, नहीं निंदा नहीं कर रहा हूँ, ये कपड़ा भी उन्हीं के ऊपर आता है जिनके अंदर स्वीकृति है, सब लोग नहीं ले पाते, समझ रहे, जैसे पुलिस वाले को उसको ड्रेस देखने से जो गलत काम करता डर जाता है, क्यों उसका ड्रेस का है, तो इस प्रकार ये ड्रेस जिनके ऊपर है वो भी स्वीकृति वाले हैं, उनको भी सम्मान जता जता जाता है। कहते हैं फिर भागवत में, अहम भक्त पराधीन अस्वतंत्र द्विज साधु विरगस्त हृदय भक्ति भक्त जनप्रिय। ये बहुत सुंदर बातें हैं ये करके फिर महाराज अम्बरीश महाराज जी का है। देखो भगवान भक्त के अधीन रहते हैं, कौन सी भक्त, जो भक्त भगवान छोड़कर कुछ नहीं जानते है ना, उन्हीं भक्त के अधीन में रहते, सबके नहीं, सबके नहीं, पक्के भक्त। तो वैष्णव के गुणों में जो 26 गुण है उसमें जो स्वरूप लक्षण है कृष्ण का स्वरूप, कृष्ण भगवान की इच्छा से चलते हैं। मैं क्या देखा अभी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कुछ दिमाग वाले लोग भी मठ मंदिर में रहते हैं है ना, पढ़ा लिखा छोड़ करके नौकरी छोड़ करके, वो सोचता है हम दिमाग से काम चला रहे हैं, लेकिन याद रखना ये बुद्धि बिल्कुल बेकार है, भक्ति में बुद्धि का, बुद्धि भक्ति में बुद्धि से नहीं हो, हमारे गुरुवर्ग बुद्धि से काम नहीं किया, मन से भगवान की इच्छा से, गुरुवर्ग की जैसे अनुप्रेरणा देते हैं उसी हिसाब से काम किया, इसलिए उन्होंने जो कुछ भी किया सब सक्सेस हुआ। और जब हम अपनी बुद्धि चलाएंगे तब फिर अब देखता हूँ यही करते हैं, लेकिन उसके सच्चाई सामने आ जाती है, इसलिए हमेशा शिष्यों का काम क्या है, गुरु वैष्णव की भगवान की जो इच्छा है वही हो, वो चाहे वो ये नहीं हट करेंगे, नहीं मैं जो कह रहा हूँ वो करना पड़ेगा, ये गलत है, ये घमंड है, पाखंड की तरह है, टेम्परेरी हो, इससे कम बने परमानेंट नहीं हो, हमेशा गुरु वैष्णव का जैसे आदेश होंगे उसी हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। अभी हम कुछ वशीधर महाराज जी मुख से सुगम करेंगे, आप तो हमेशा मुख से सुगम करते रहते हैं, माइक इधर जो मना किया ऐसे करना ज्ञान किमिरा अंधस्थ ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्त
भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः पञ्चाकल्पगरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चाकल्पगरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद बलहरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 बलहरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला वरवृष्ण विष्णुपाद अष्टोदर सतय श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री सिद्धांति गोस्वामी महाराज की चरण कमल में अनंत कोटि साक्षात प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला वरवृष्ण विष्णुपाद अष्टोदर सतय श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्रील भक्ति वेदांत शांत महाराज वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं जताजू को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रील प्रभुपाद का उपदेशामृत। ये प्रभुपाद कौन है? राधा रानी की नयन मणि मुझे वो आए थे क्यों? हम जो संसार में दुख कष्ट को उठा रहे हैं हमको यहाँ से उठा करके भगवान को धाम को ले जाना चाहते हैं, भगवत धाम को हमें ले जाना चाहते, इसलिए इस जगत में वे आए थे। हमें तो बोले आज तो एक तिथि है जीव गोस्वामी जी गोस्वामी जी की तिथि है। कथा सुनिए अच्छा कथा सुनिए ठीक है। आज श्री जीव गोस्वामी की आज तिरुभाव कहते श्री जीव गोस्वामी ये कौन है? कहते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया करी सपार्षद शिरो धाम सावतारी। इसी जगत में जब भगवान आते हैं अकेले नहीं आते, पूरा अपना धाम और परिकरों को लेकर के इस जगत में आते हैं। इसलिए महाप्रभु एक एक भक्तों के द्वारा उन्होंने अपना एक एक इच्छा को उन्होंने पूर्ण किया है, एक एक इच्छा को पूर्ण किया। इसलिए हमारे श्री लोचनदास ठाकुर एक सुंदर भजन में कहते हैं बोले ए ल गौर रस नदी कादम्बिनी भाषाई ल गौर देश प्रेम वृष्टि होड़ो सब दे श्री अद्वैत चंद्र जल रस धारा ताए राय रामानंद। कहते भजन में महाप्रभु किसको ऊपर में कैसे कैसे उन्होंने कृपा की और किसको माध्यम में महाप्रभु ने क्या क्या किया ये भजन में वहाँ पर बताया है। कहते अद्वैत आचार्य क्या किए बोले हुड़ू हुड़ू शब्द आए ल श्री अद्वैत चंद्र। हुड़ू हुड़ू समझते हो जैसे कोई बारिश बारिश कुछ नहीं हठात बड़ी तेजी से हाँ बारिश से आया और सबको भिजा करके चला गया, इसको कहते हुड़ू हुड़ू शब्द हठात आ करके। कहते उसी तरह श्री अद्वैत आचार्य ने जब जगत में आ करके जगत जीवों का दुर्दशा को देखे, जीव कैसे दुख कष्ट पा रहे हैं, कैसे देवी पूजा करते हैं, कैसे बलि चढ़ाते हैं, मांस मदिरा कैसे पान करते हैं, कैसे भक्ति से विमुख है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा मैं तो हरिनाम युग धर्म हरिनाम को प्रचार कर सकता हूँ, लेकिन महाप्रभु जो ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आकर के
वो जो दुर्लभ ब्रज प्रेम को देते हैं, ये चीज मैं नहीं कर सकता, ये मेरे से असंभव है, ये तो मेरे प्रभु ही कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, तुलसी दल और गंगा पानी दे करके भगवान का आह्वान किया और इनकी वजह से श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में आए हैं। बोले कृष्ण दास कविराज रसे भंडारी जतने राखिल प्रेम हेम कुंभरी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या किया, कहते कृष्णदास कविराज रसेर भंडारी, कहते ये कवि में राजा है, सर्वश्रेष्ठ कवि है। इन्होंने क्या किया, एक सुंदर सोने की कलसी में हेम कुंभ भरी, कहते सोने में कलसी में पूरा रस को रस उन्होंने वो कुंभ में रख दिया, कलश में रख दिया है। कहते श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी क्या किया, बोले रूप सनातन काहे आई लव जोरी। उदाहरण देते हैं, महाप्रभु जैसे एक मेघ है, महाप्रभु जैसे मेघ, मेघ तो देखने में बड़े सुंदर लगता है, लेकिन जब उसमें बिजली चमके ना, उसमें जो बिजली चमकती है उसकी और भी शोभा बढ़ जाती है। इसलिए रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कहते हैं बिजली का काम कर, बिजली का काम किया, मतलब इन्होंने जगत में आकर के रूप गोस्वामी को द्वारा महाप्रभु ने रस को स्थापन किया है, और सनातन गोस्वामी को द्वारा उन्होंने कहते उन्होंने संबंध तत्व को उन्होंने स्थापन किया, बृहत भागवता मृत जैसे ग्रंथों को रचना उन्होंने करवाई। कहते ये कहते हरिदास ठाकुर को द्वारा उन्होंने क्या किया, हरिदास ठाकुर को द्वारा उन्होंने नाम से उन्होंने प्रचार किया है। कहते श्री जीव गोस्वामी के द्वारा उन्होंने क्या किया, बोले जीव गोस्वामी के द्वारा उन्होंने सिद्धांत को उन्होंने स्थापन किया है, जीव गोस्वामी के द्वारा उन्होंने सिद्धांत को उन्होंने स्थापन किया है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं सिद्धांत बोलिया चित्ते ना कर अलस जा हिते लागे कृष्ण सुदर्शनस। जो सिद्धांत और जो तत्व दर्शन वो थोड़ा कठिन लगता है, कठिन है, लेकिन कहते भैया उसमें अलसता मत करो, उसमें अलस मत करो, क्यों, जिसको द्वारा तुम्हारी भक्ति में दृढ़ता आती है। अगर सिद्धांत हम नहीं जानेंगे ना, अगर भक्ति में थोड़ी सी अगर थोड़ी सी इधर उधर झोंक आए, फिर हम माला फाला भक्ति भक्ति छोड़ छाड़ करके फिर अलग खड़े हो जाते हैं, अलग खड़े हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं बोले तीन तरह के भक्त हैं, एक कनिष्ठ भक्त, एक मध्यम भक्त और एक उत्तम भक्त है। वे तीनों भक्तों में क्या पहचान है, तीनों भक्त क्या पहचान है, कहते जो कनिष्ठ भक्त है भक्ति तो है करते हैं, लेकिन ये भक्ति डामाडोल सा भक्ति है, वो भक्ति डामाडोल भक्ति है। इसलिए भक्ति तो तब तक करेंगे जब कोई बाधा विपत्ति नहीं आए, अगर थोड़ी सी कोई बाधा विपत्ति आ जाए वो भले ही किस चीज़ को छोड़े नहीं छोड़े, ये माला छोड़ दे, खाना नहीं छोड़ेंगे, घूमना नहीं छोड़ेंगे, सोना नहीं छोड़ेंगे, पहले ये माला को पहले छोड़ दें, मतलब हम पहले से ही माला छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं माला छोड़ने के लिए। कहते ये कनिष्ठ भक्त है। कहते मध्यम भक्त कौन है, कहते जो अपना साधन भजन को ठीक ठीक से कर लेते हैं, किसी भी स्थिति आए लेकिन वो कभी अपना साधन भजन को भक्ति को कभी नहीं छोड़ते। लेकिन किसी व्यक्ति को भक्ति में प्रेरणा नहीं दे सकते हैं, समझा नहीं सकते हैं, लेकिन होने पर भी लेकिन अपना भजन साधन को एकदम पक्के रूप में अपना भजन साधन कर लेते हैं, कहते मध्यम भक्त है। कहते उत्तम भक्त कौन है, कहते उत्तम भक्त हुए हैं जो शास्त्र सिद्धांत में सुनिपुण हैं और दूसरों को भी भक्ति के बारे में समझा सकते हैं, हैं? कोई प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, भगवान की भक्ति की प्रचार करते हुए खुद तो भजन करते हैं और दूसरों को भी भजन में लगा सकते हैं, कहते ये उत्तम भक्त है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं सिद्धांत बोलिया चित्ते ना कर अलस जा है ते कृष्ण लागे सुधीर मानस। इसलिए सिद्धांत थोड़ा कठिन है,
इसलिए इस चीज में अलसता मत करो, क्योंकि जिसको द्वारा भगवान में एकदम मन जिसको द्वारा लग जाती है, मरो ना से बैठे ब्याग भीतर देखे हुआ कला गोटे ब्याग अच्छे तर गोटे खाता अच्छे से खातार उपर ना गोटे खाता अच्छे तर मोर नोट अच्छे नहीं आस गोटे बड़े तुम गोटे बट खाता तर गोस्वामी मान चरित्र अच्छे नहीं आस इसलिए जीव गोस्वामी कहते हमारी संप्रदाय का ये तत्वाचार्य है, इनको तत्वाचार्य बताए, इसलिए इनका नाम है जीव। कहते जीव नाम क्यों है, कहते ये नाम में ही इनकी महिमा विद्यमान है। बोले जीव मतलब क्या होता है, कहते जीव यति इति जीव, कहते जीवों को जो जीवन प्रदान करते हैं, जीवों को जो जीवन मतलब होता है प्राण प्रदान करते हैं, इसलिए इनका नाम जीव है। इसलिए जीव भरण पोषण च, कहते जीव का और एक अर्थ होता है जो जीवों को भरण और पोषण करे, इसका नाम भी ये जीव है। कहते ये हमें क्या भरण पोषण करते हैं, ये क्या भरण पोषण करते हैं, कहते ये हमारे संप्रदाय के तत्वाचार्य होने का नाते जो इन्होंने जो ग्रंथ आदि प्रकाशित किया है, जैसे षट संदर्भ ग्रंथ उन्होंने प्रकाशित किया है, गोपाल चंप दिव्य ग्रंथ उन्होंने प्रकाशित किया है, और बहुत सारे ग्रंथों को उन्होंने प्रकाशित किया है। कहते श्री जो ब्रह्मस्तुति है, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, कहते ये ग्रंथ का जो टीका है, ये टीका को भी इन्होंने ही लिखा है श्री जीव गोस्वामी। इसलिए कहते जीव यति इति जीव, कहते जो जीव को जो भरण पोषण करे और जीव को जो जीवन प्रदान करे, क्योंकि अगर ये एक उदाहरण देकर समझाए, जैसे ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ क्या बोले एक सुंदर महल है, ये एक सुंदर महल ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ, लेकिन अभी वो महलों के अंदर में प्रवेश करना पड़ेगा, लेकिन वो दरवाज़ा बड़ा छोटा है, हाँ वो दरवाज़ा बड़ा छोटा है, इसको अंदर में प्रवेश करना पड़ेगा। कहते महल में प्रवेश करने के लिए दरवाज़ा क्या है, कहते ये साठ संदर्भ ये दरवाज़ा है। इसका तात्पर्य यह है जब तक इनकी साठ संदर्भ को हम नहीं पढ़ेंगे तब तक भक्ति रस में हम प्रवेश नहीं कर सकते, भक्ति रस में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए जीव गोस्वामी इन्होंने जो छः संदर्भ लिखा है, भक्ति जगत में विशेष तीन चीज होता है, कितना चीज होता है, क्या क्या है, एक संबंध, एक अभिधेय और एक प्रयोग। कहते भक्ति जगत में तीन चीज होता है, इसलिए उन्होंने ये साठ संदर्भ में इन्होंने ये तीन चीज को बहुत अच्छे तरह से उन्होंने साठ संदर्भ में उन्होंने समझाया है। इसलिए चार ही संदर्भ में तो उन्होंने संबंध ज्ञान को स्थापन किया है, हैं? ये ब्रह्म क्या है, ये परमात्मा क्या है, ये भगवान क्या है, हैं? इसलिए ब्रह्म कौन है बोले भगवान की अंग कांति, बोले परमात्मा कौन है भगवान का अंश, बोले भगवान कृष्ण कौन है बोले ये सड़े स्वर्जपूर्ण ये भगवान है। इसलिए अभी हमें किसको उपासना करनी चाहिए, ब्रह्म को करनी चाहिए ना परमात्मा को करनी चाहिए ना हमें भगवान को करनी चाहिए। भक्ति जिस ग्रंथ में उन्होंने यह चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे तरह से स्थापन किया, क्योंकि लोग इसी विषय पर भ्रमित हो जाते हैं। कुछ कुछ ऐसे संप्रदाय है वो जो कहते भगवान निराकार है, वो भगवान निराकार है, कोई कोई कहते नहीं वो परमात्मा को हृदय में ध्यान करो, और कोई कोई कहते नहीं भगवान कृष्ण को राम को भक्ति करो। कभी कभी हमारे सनातन धर्म में लोग कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं इस विषय पर, लेकिन इसलिए जीव गोस्वामी कहते ये चार संदर्भ में इतने अच्छे तरह से उन्होंने हाँ ब्रह्म परमात्मा भगवान को बहुत अच्छे तरह से उन्होंने स्थापन किया ये चीज़ बहुत अच्छे तरह से। और एक ग्रंथ है जिसको कहते हैं कृष्ण संदर्भ, इसलिए कृष्ण संदर्भ में उनने अभिधेय तत्व को उन्होंने वर्णन किया, जो अभिधेय तत्व उन्होंने वर्णन किया इतने सुंदर रूप में वर्णन किया ना जो आप सोच भी नहीं सकते। कहते ये भक्ति ही क्यों अभिधेय है,
ये भक्ति जिसमें भक्ति तत्व भक्ति संदर्भ जिसमें भक्ति संदर्भ में यदि ये भक्ति ही क्यों अभिधेय है। उन्होंने पता नहीं कहाँ से उन्होंने श्लोक को उठा उठा करके उन्होंने प्रमाणित किया भक्ति ही केवल हमारी अभिधेय। अभिधेय मतलब होता है भगवत प्राप्ति का केवल एक उपाय है, क्या है? कहते श्री भक्ति, और कोई ज्ञान नहीं कर्म नहीं केवल भक्ति है। और एक ग्रंथ लिखे जिसको कहते प्रीति संदर्भ, ये प्रीति संदर्भ में इन्होंने क्या स्थापन किया, बोले इसमें उन्होंने ये स्थापन किया हमारे प्रयोजन किया है, हमारे जीवन का लक्ष्य किया है, इसमें उन्होंने ये चीज को स्थापन किया है। इसलिए उदाहरण देते हैं, चलो जीव गोस्वामी काम किया किया है कि जैसे एक सुंदर सरोवर है, सुंदर सरोवर है, लेकिन कभी कभी क्या होता है गंदी गंदी नालियाँ आकर के ना उस सरोवर में मिल जाती है, क्या होगा सरोवर को नष्ट कर देते हैं। लेकिन इसलिए जीव गोस्वामी ने अच्छे सुंदर उन्होंने प्राचीर से हाँ जैसे कोई गंदे नालियाँ आकर के उसको खराब नहीं कर दे, इसलिए उन्होंने क्या किया चारों तरफ में उन्होंने एकदम सुंदर दृढ़ प्राचीर उन्होंने बना दिया है जीव गोस्वामी। इसलिए इनको कहते हैं जीव, जीव मतलब क्या है जो जीव को जो जीवन प्रदान करते हैं व जीव को जो भरण और पोषण करते हैं। बोले भरण पोषण कैसे होता है, यदि भरण पोषण कैसे होता है, वैसे तो खाना देकर भरण पोषण होता है, लेकिन असली खाना क्या है, बोले जो असली खाना है भक्ति, असली खाना भक्ति है, हैं? इसलिए अगर भक्ति को द्वारा ही जो जीवन को ये भरण पोषण करते, भक्ति को दृढ़ रूप में उन्होंने भक्ति को ही स्थापन किया, भगवत प्राप्ति का और कोई उपाय नहीं, भगवत प्राप्ति का केवल एक उपाय भगवान की भक्ति, इसलिए इनका नाम जीव। कहते कृष्ण लीला में कौन थे बता सकते? जीव गोस्वामी कृष्ण लीला में ये कौन थे? कौन बोले मंजरी कौन सी मंजरी, कौन सा मंजरी थे? मंजरी कहते थे बिलास मंजरी, कौन सा मंजिल थे? कहते ये श्री बिलास मंजिल थे, हाँ। इसलिए कहते ये बिलास मंजिल का मतलब क्या है, कहते हैं लसत इच्छा बिलास, ये जो शब्द मिला जो बना है, हाँ। कहते जो मूल जो शब्द है कहते लसत बिलास, ये लसत धातु से ये बिलास बना, लसत मतलब होता है इच्छा, लसत मतलब होता है इच्छा, जिसने महाप्रभु को इच्छाओं को पूर्ण किया है। बोले भैया महाप्रभु को क्या इच्छा था, महाप्रभु को क्या इच्छा था? बोले महाप्रभु को यही इच्छा था जगत में ये शुद्ध भक्ति की धारा प्रचार हो, हैं? इसलिए सुखी है या लोग मर गाय की कीर्ति, महाप्रभु को यही इच्छा था पृथ्वी के अच्छे जत नगरा दिग्राम सर्वत्र प्रचार ही विमरना, एक दिन ऐसा आएगा संपूर्ण पृथ्वी में मेरा नाम गूंज उठेगा, लोग प्रसन्न होकर के मेरे गुणगान करेंगे मेरे कीर्तन करेंगे, ये महाप्रभु की इच्छा। इसलिए लसत मतलब होता है इच्छा, इसलिए इनका नाम बिलास, ये लसत धातु से बना है, इसलिए महाप्रभु का जो इच्छा हमको जगत में जिन्होंने स्थापन किया है और उनका इच्छा है जगत में भक्ति प्रचार हो, शुद्ध भक्ति की धारा प्रसारित हो, इसलिए इनका नाम श्री जीव है। कहते ये कौन थे? कहते श्री उप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और श्री अनूप, अनूप अनूप अनुपम, इनके भाई अनुपम थे, इसलिए ये तीनों भाई थे, तीनों भाई से जो जो अनुपम था कहते उनका जो बेटा है श्री ये जीव गोस्वामी, मतलब देखो एक परिवार से तीन गोस्वामी आए, एक परिवार से तीन तीन गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी और श्री जीव गोस्वामी, तीन 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 एक वंश में तीन गोस्वामी एक वंश में आए, इसलिए कोई साधारण बात नहीं है, एक वंश में तीन तीन गोस्वामी हैं, और गोस्वामी किसको बताएंगे और गोस्वामी किसको
बताए नहीं तो बोले छह गोस्वामी हैं। गोस्वामी मतलब क्या है? बोले गो मतलब होता है इंद्रियां, स्वामी मतलब होता है जो इंद्रियों का जो स्वामी व इंद्रियों को जो कंट्रोल करने वाले कहते श्री ये गोस्वामी हैं। इसलिए एक मंत्र में तीन गोस्वामी आए। इसलिए कहते श्री जो जीव गोस्वामी हैं, कहते ये जीव गोस्वामी कहते ये बचपन से ही इनकी स्वाभाविक रूप में बचपन से ही इनको भक्ति में विशेष रुचि। जब खेलते कूदते थे साधारण बच्चे जैसे खेल कूद करते थे वो ऐसे नहीं, ठाकुर जी की हैं भगवान कृष्ण की उनको मूर्ति को लेकर के उनको साथ में खेलना, उनको लेकर के सोना हैं। इसलिए जिस समय रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी महाप्रभु से मिले उस समय में ये जीव गोस्वामी छोटे ये बालक थे जीव गोस्वामी। इसलिए जब महाप्रभु सन्यास ग्रहण के बाद में कहते इसलिए जीव गोस्वामी इन्होंने जब सब कुछ छोड़ करके आए, एक घटना इनका जीवन में आता है, जब सब कुछ छोड़ करके इसे वृंदावन में आए, जब वृंदावन में कहीं सोए हुए थे तो मदन मोहन जी को ऊपर में जो कपड़े से उनको सहन किया था ना, जैसे सोने के बाद उनको ऊपर में कपड़े जैसे लेप ओढ़ देते हैं, लेकिन वो जब आए वो अपने आप कहते हैं वो जो उनको ऊपर चादर ढका हुआ था, जब जीव गोस्वामी वृंदावन में आए वो चादर अपने आप जा कर उनको ऊपर, जो रात को सही कुछ था नहीं उनको ऊपर अपने आप जा कर उनको ऊपर में ओढ़ दिया। सवेरे जब देखा ठाकुर जी की ये वस्त्र कान जो ठाकुर जी को शरीर देते समय ठाकुर जी को शरीर में ओढ़ करके रखा था, देखा वो वस्त्र श्री जीव गोस्वामी के ऊपर, वस्त्र श्री जीव गोस्वामी के ऊपर में, फिर समझ गए कोई बात नहीं है जब उन्होंने आए वृंदावन में। कहते इतने प्रखर ये विद्वान थे जीव गोस्वामी, इतने प्रखर ये विद्वान थे, जब रूप गोस्वामी कोई ग्रंथ लिखते थे इसका जो प्रूफ रीडिंग है उसमें संस्कृत भाषा में क्या थोड़ी प्रूफ रीडिंग करते श्री जीव गोस्वामी यही करते थे। बोले इनके एक जीवन में एक कथा आती है, बोले जिस समय श्री राधा दामोदर मंदिर वहाँ पर रूप गोस्वामी वहीं पर रहते थे और इनका शिष्य श्री जीव गोस्वामी इनका शिष्य है, वो उनको पास में बैठ करके पंखा झुला रहे थे। इतने में कहते श्री वल्लभाचार्य कहते इनका जीवन में दो पंडितों के साथ में इनका मिलन हुई है। बोले एक समय श्री वल्लभाचार्य वो आए रूप गोस्वामी को बोले तुम कौन सा ग्रंथ लिख रहे हो? बोले श्री भक्ति रसामृत सिंधु। तो उन्होंने देखे मंगलाचरण श्लोक में एक लिखा हुआ भुक्ति मुक्ति स्प्रिया पिशाची जावत हृदय वर्तते तावत कृष्ण सुखस्य कथम अद्भुत भवे, ये एक श्लोक था। इसका मतलब है जब तक हृदय में भुक्ति और मुक्ति ये दो वासना जब तक हृदय में होगा तब तक ये भगवत भक्ति नहीं आ सकती हृदय में, हाँ भक्ति नहीं आ सकती। इतने में श्री वल्लभाचार्य ने कहा तूने मंगलाचरण श्लोक लिख रहे हो और जिसमें तुम कह रहे हो भुक्ति मुक्ति को उन्होंने क्या उदाहरण दिया? बोले पिशाची, उन्होंने उदाहरण दिया पिशाची। बोले जिस मुक्ति को पाने के लिए ज्ञानी लोग इतने कठोर तपस्या करते हैं तुम उसको पिशाची शब्द कैसे बता दिया, इतने गंदे शब्द कैसे प्रयोग कर दिया? तब उन्होंने बोले देखो जब ये ग्रंथ हो जाएगा ना, हैं ग्रंथ हो जाएगा मेरे को दिखाना, कहते मेरे को दिखाना कि ग्रंथ को मैं संशोधन कर दूंगा। और जीव गोस्वामी वहीं पर बैठे थे उनको पंखा झुला रहे थे। अभी जीव गोस्वामी ने देखा कहते ये भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा और कर्णपाठ के जो चार दोष है कहते ये बद्ध जीवन में होता है, ये मुक्त जीवन में ये चार दोष नहीं रहता है,
ये बद्ध जीवन होता है। लेकिन रूप गोस्वामी रूप मंजरी है, राधा रानी की नित्य परिका रही है, सहचरी है, और जितने सबके सब गोस्वामी इनकी आनुगत्य में ही राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। इनके बगैर हैं कहते प्राण पृष्ठ सखी कुला दर्शनी कील असंचकित भूमिका, कहते जिस लीला में निकुंज में कभी कभी प्राण पृष्ठ सखी ललिता विशाखा भी प्रवेश करने के लिए द्विधाबोध करते हैं, लेकिन ये अंदर में जा करके राधा कृष्ण के सारे जो निकुंज की सेवा को यही करते हैं, और इनके आनुगत्य में जो करते हैं इनके तभी उनको ये सेवा प्राप्त होती है। मतलब ऐसे राधा रानी की निकुंज मंदिर सेवा की अधिकारी और सबका अधिकार देने वाले यही है, और ये नित्य सिद्ध परिकर तब इनकी ग्रंथ में भूल कैसे हो सकता है। इसलिए तब जीव गोस्वामी जब वल्लभाचार्य चले गए तो उनको पीछे पीछे जीव गोस्वामी गए जाकर के बोले, भले आप रूप गोस्वामी का गुरु जी की आपने क्या इसे दोष देखा जो कि आपने बताया इसको करेक्शन करो। बोले वहाँ पर बताए कि भुक्ति और मुक्ति को उन्होंने पिशाच शब्द दिया है, ये जो पिशाच शब्द है ना ये थोड़ी सी अटपट सा लगता है। तब श्री जीव गोस्वामी ने कहा देखो आप भागवत गीता वेद पुराण उपनिषदों को पढ़ो, इसलिए हर ग्रंथ में ये जो मुक्ति को इतना घृणा करते हैं कहते नरक बांछे तब साजु जन चाहे, भक्त लोग कहते भैया नरक हमारी हो जाए, क्योंकि नरक अगर चले जाएंगे कभी ना कभी तो मुक्ति मिलेगी नरक से, फिर तो भक्ति कर सकते हैं। लेकिन जो साजुज्य जो मुक्ति जो ब्रह्म साजुज्य जाकर के जीव ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं, कहते जो ब्रह्म साजुज्य मुक्ति कहते भैया नरक में भी चले जाए लेकिन हम ये मुक्ति नहीं चाहते हैं। भक्त लोग मुक्ति नाम सुनकर इतने घृणा करते हैं, पहले सार्वभौम भट्टाचार्य पहले मुक्ति मुक्ति बोलते थे, लेकिन जब महाप्रभु की कृपा मिली मुक्ति को जगह पर उन्होंने भक्ति शब्द लगा दिया, सब भक्ति पर दाए भाग भक्ति शब्द लगा दिया, बोले मुक्ति नाम सुनते ही मेरे को इतने नफरत लगता है इसलिए शास्त्र ने बताया तत्व पतंति अध अनादृत जुष्मद अंग्रयो, भगवान के चरण कमल को जो अनादर करके जो मुक्ति मार्ग में जाते हैं बड़ी कष्ट करके बड़े उच्च पद को प्राप्त करते हुए भी वहीं से वो नीचे गिरते हैं भक्त लोग मुक्ति कभी भी नहीं चाहते। इसलिए बोले धर्म प्रोजित कैतवत्र, कहते सबसे बड़ी जो कपटता है कहते ये मुक्ति है सबसे बड़ी कपटता। बोले क्यों? बोले जीव कौन है? बोले जीवर स्वरूप है कृष्ण मित्र, ये जीव का स्वरूप है। लेकिन ये लोग क्या चाहते हैं? भगवान की सेवा व्यवहार करना नहीं चाहते। बोले भैया जब तक संसार में आएंगे तब तक दुख कष्ट भोग करेंगे, इसलिए न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इसलिए क्या करा अपना सत्ता को ब्रह्म ज्योति में लीन कर दो, इसमें भगवान की सेवा की कोई बात नहीं है। इसलिए यहाँ पर भागवत से संपूर्ण रूप में मुक्ति को निकाल फेंका भागवत से है। तब श्री जीव गोस्वामी ने कहा देखो वो श्लोक में भुक्ति मुक्ति स्प्रिया, जो भुक्ति और जो मुक्ति इसका जो स्प्रिया को उन्होंने पिशाच बताया, भुक्ति मुक्ति को उन्होंने पिशाच नहीं बताया। तब उन्होंने टीका में लिखते हैं एक सुंदर उदाहरण दिया टीका में कि देखना जैसे को ऊपर में भूत का सवार हो जाए, एक एक व्यक्ति पांच पांच दस दस व्यक्ति का भोजन कर लेता है। क्यों? उसके अंदर भूत बैठा हुआ, पांच पांच दस दस व्यक्ति का तो भोजन कर लेगा लेकिन उसका जो शरीर है ना धीरे धीरे उसका पतला होता जाता है। क्यों? उसके अंदर में जो पिशाच जो भूत बैठा है ना वो दिखता है तो पांच दस व्यक्ति का भोजन करता है, लेकिन भोजन करता ही कौन? उसका अंदर में जो पिशाच बैठा है। कहते उसी तरह जो ज्ञानी लोग है वो देखने के लिए तो लगता है भक्ति करते हैं, देखा जैसे मायावादी लोग ब्रह्मवादी लोग खूब भागवत कथा करेंगे खूब भगवान की लीला कथा सुनाएंगे, लेकिन इनकी भावना क्या है? ये जो कृष्ण राम है ना ये भी ब्रह्म थे, इनको जो माया पकड़ लिया अभी वो कृष्ण और राम बन करके आ गए, इनकी जो मुक्ति हो जाएगी ना बस ये भी ब्रह्म में ज्योति में लीन हो जाएगी। मतलब इतनी गंदी फिलोसफी है, कृष्ण राम तक खूब सुनाएंगे
बोले ये कथा माई की है, क्यों? कोई ब्रह्म ने पकड़ लिया ना, कभी माया ने ब्रह्म को पकड़ लिया ना, इसलिए कृष्ण राम बन गए। इसलिए जो लीला है ना ठाकुर जी की, नित्य नहीं अनित्य लीला है, लीला को नहीं मानती, लीला को नहीं मानती, अनित्य लीला है। इसलिए इनकी कल्याण में बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। इसलिए बोले उन्होंने उसी तरह जिसके हृदय में मुक्ति की वासना है, वो देखने के लिए तो कहते भक्ति कथा सुनाएंगे, बड़ी सुंदर सुंदर कथा, खूब सेवा पूजा करेंगे, लेकिन उनको कुछ भी भक्ति उनकी कुछ नहीं मिलती, उनकी कुछ उनको नहीं मिलता है। भक्ति भक्ति क्यों? उनका हृदय में पिशाच ही, भुक्ति मुक्ति रूपी पिशाच बैठा हुआ, इसलिए सब कुछ वही ग्रहण कर लेता है, उनको कुछ नहीं मिलता है। जब उन्होंने इस बात को बताया ना, बोले भैया बड़ा छोटा बच्चा तो बड़ा तेज है ना, ये तो बड़ा दिमाग तेज है। फिर उन्होंने ढूंढ करके आए, आ करके तो रूप गोस्वामी को बोले वल्लभाचार्य जी देखो आप जो वहाँ जो श्लोक लिखा था ना उसको बदलने का कोई जरूरत नहीं, लेकिन आपके ये चला बड़ा तेज है, बड़ा तेज है। लेकिन रूप गोस्वामी समझ गए कि कुछ गड़बड़ किया है, ये पीछे पीछे गया था ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ किया। लेकिन महाप्रभु कौन है कहते ये त्रिना दबी सुनी छे ना तरह भी सही सुनना अमानी ना मान देन कीर्तनीय सुना। महाप्रभु अमान्य धर्म का प्रवर्तक है, सबको जथा जो के सम्मान हो। यहाँ पर रूप गोस्वामी कुछ बोले नहीं, रूप गोस्वामी कुछ बोले नहीं, इसलिए जीव गोस्वामी बात को बोले, इसी विषय पर रूप गोस्वामी थोड़ी सी असंतुष्ट हो गए। असंतुष्ट होकर के बोले अभी तुम भजन करने का लायक नहीं, तू यहाँ से निकल जाए, त्याग दिया, तुम किसी वैष्णव का सम्मान देना नहीं चाहते, तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन वहाँ से यहाँ भी प्रश्न होता है, भैया जीव गोस्वामी क्या गलत किया है? क्योंकि जीव गोस्वामी विलास मंजरी है, राधा रानी की सहचरी, फिर उन्होंने क्या गलत किया? बोले ये कभी गलत कर ही नहीं सकते, गलत बद्ध जी भी गलत करते हैं, मुक्त मुक्त पर्सन व्यक्ति तो कभी गलत कर ही नहीं सकते। इसलिए यहाँ शिष्य का कर्तव्य क्या कर्तव्य है? अगर शिष्य को सामने कोई गुरु जी को अपमान कर रहा है, शिष्य को सामने कोई गुरु जी की अपमान हो रही, नहीं तो किसी का अपमान कर रहे हैं, अगर हम सही शिष्य है, शास्त्र में तो यहाँ तक होता है इनका जीवा तो काट देनी चाहिए, उनका जीवा काट देनी चाहिए। मतलब कैसे जीवा काट देनी चाहिए? मतलब शास्त्र युक्ति को द्वारा उसको जीवा को स्तब्धीभूत कर दो, उसको जीवा को बंद कर दो, शास्त्र युक्ति सिद्धांत के द्वारा। इसलिए इन्होंने जो किया है वो सही किया है, उन्होंने सही किया है। इसलिए लेकिन रूप गोस्वामी जो किया वो भी तो गलत कभी कर ही नहीं सकते, वो भी नित्य सिद्ध परिकर है, तो उन्होंने क्या गलत किया? बोले उन्होंने भी गलत नहीं किया, क्योंकि गुरु जी का कर्तव्य है अपना शिष्यों को शिक्षा देना। क्या शिक्षा देना? हर वैष्णव को यथाजोग्य सम्मान दो, किसी वैष्णव को अनादर मत किया करो। इसलिए दोनों दो जो काम किया है ना, ये उन्होंने ये सही काम किया, कोई गलत काम नहीं किया। अभी उन्होंने जा करके के भय गाँव में, ब्रज में भय गाँव, वहाँ पर जहाँ पर नंद बाबा द्वादशी का दिन जहाँ पर उन्होंने यमुना में स्नान करने गए थे, और उनको पकड़ करके वर्ण लोग के जो दूत पानी में उनको ले गए थे, वो भय गाँव उन्होंने जा करके वहीं पर बैठ करके भजन किया। बोले किस में बैठ कर रहते थे? किस में? जब पहले मगरमच्छी होते थे, ये मगरमच्छी वहाँ पर रहती है, हमें वहाँ गुफा जैसे बना कर रख दिए थे, वो उसी में रह करके वहीं पर भजन करे। और कहते हैं वहीं पर रहते समय इन्होंने जो षट संदर्भ है ना, कहते उसी समय में उन्होंने ये ग्रंथों को वहीं पर उन्होंने सही किया है, हाँ ग्रंथों को बनाया वहीं पर। और जब रहते थे लेकिन दिन भर रोते थे, गुरुदेव ने त्याग दे दिया, हाँ गुरुदेव ने परित्याग दी। अभी गुरुदेव अगर किसको परित्याग दे दिया, भक्ति भक्ति तो गया उसकी, भक्ति भक्ति तो जगत से सब नष्ट हो गए। जब गुरु जी हमारे ऊपर असंतुष्ट है, फिर भक्ति कहाँ हो सकती है? फिर दिन रात उन पर रोते थे, दिन भर रोते थे, और खाते थे क्या? कहीं भिक्षा नहीं मांगनी जाती थी, जो रात को पानी में घोल कर उसको पी ले। इसलिए जब सनातन गोस्वामी भ्रमण करते करते जब भाई गांव में गए, जगत में उसी समय सनातन गोस्वामी का बहुत नाम प्रसिद्ध था, बोलते थे से बड़े बाबा, बड़े बाबा, हाँ ब्रज में सबसे बड़े बाबा थे। जब वो
वहाँ पर गए, बोले बाबा बाबा आप तो ब्रज के बड़े बाबा हैं, लेकिन हमारे गांव में आपसे भी कोई भी बड़े बाबा है। बोले कैसे? बोले आप तो चून मांग करके, आटा मांग करके टिकिया बना कर खा लेते हो। कहते वो बाबा तो पानी में राख में पानी डाल करके वो राख को पी लेते हैं। सनातन गोस्वामी बोले राख को पी करके हजम कर सकता है? बोले भैया ऐसे कौन सा साधु आए जो राख को शरबत बना कर पी लेते हैं पानी डाल करके? ऐसे बोले तो भैया दिखाओ ऐसे साधु कौन है। जब उनको ले गई ना, फिर उन्होंने श्री जीव गोस्वामी को दिखाया, एकदम शरीर दुबला पतला हो गया था। दिन रात गुरु जी के नाम को लेकर के, ठाकुर जी का नाम को लेकर दिन भर रोते रहते थे, वहाँ पर रोते रहते थे। फिर उनको देख करके फिर उन्होंने सारी बात को पूछा, उन्होंने ये सब बात को समझ करके फिर जीव गोस्वामी को लेकर आए। कहते श्री रूप गोस्वामी कि जिस समय ये भक्ति रसामृत सिद्धु ग्रंथ लिखते थे, जब ये कंप्लीट हो गया, ये प्रूफ रीडिंग करते थे, एक बार सोच रहे थे भैया ग्रंथों को प्रूफ रीडिंग कौन करेगा? अगर जीव होता तो ये ग्रंथों को प्रूफ रीडिंग कर देता, क्योंकि ऊपर से तो त्याग दे दिए लेकिन अंदर में उनके प्रति स्वाभाविक रूप में अंदर से उनके प्रति दया भावना है। जीव गोस्वामी के ऊपर इनकी दया भावना है अंदर से। अभी वो सोच रहे थे अगर जीव होता तो ग्रंथों को प्रूफ रीडिंग कर देता। अभी श्री जीव गोस्वामी को सनातन गोस्वामी लेकर के आए, आकर के श्री रूप गोस्वामी को प्रश्न किया, बोले रूप बताओ महाप्रभु का शिक्षा क्या है? बोले जीवे दया है, जीव को पर में दया करनी चाहिए। बोले क्या ये जीव जीव नहीं है? कहते ये जीव क्या जीव नहीं है? जीव पर दया करनी चाहिए, पर ये जीव को पर तुम दया क्यों नहीं करते? फिर उनको समझा बुझा करके फिर उनको पास में उनको अर्पण करके फिर उनने अर्पण किया है, फिर उन्होंने सारे प्रूफ रीडिंग किए। इसलिए ये जो जीव गोस्वामी हैं कहते बड़े धुरंधर विद्वान, कहते एक बार तो ऐसे हुए और एक बार और एक कोई विद्वान के साथ में उनकी तर्क वितर्क हो गए। मीरा भी आई थी इनके पास। हाँ मीरा भी आई थी इनके पास। हाँ कही गई आती है सब बात। कहते और एक बहुत बड़ा विद्वान था, उसने सारा दुनिया को जय किया है। जय करते करते उन्होंने पता लगा रहे थे क्या जगत में और कोई विद्वान क्या है जिसको साथ में हम शास्त्रार्थ कर सकते हैं। तो उनको पता चला कहते हाँ कहते वृंदावन में एक जीव गोस्वामी नामक एक बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा एक विद्वान है, चलो उसको साथ में हम शास्त्रार्थ करते हैं। तो वो अपना शिष्य प्रशिष्य को साथ में, गाजे बाजे को साथ में जब चलता था, जिन जिन पंडितों को उन्होंने परास्त किया सबके सब उनके चेले बने जाते थे। बड़े हाथी के ऊपर बैठा हुआ था, गाजे बाजा को साथ में बजाते बजाते श्री वृंदावन धाम में आए और उनको पता चला यहाँ पर एक जीव गोस्वामी नाम के बड़े धुरंधर विद्वान हैं। जब उन्होंने आए आकर के देखा उसी समय श्री जीव गोस्वामी स्नान कर रहे थे, वो पंडित है ना, वो सोच रहा था इनको मैं बात बात में ही इनको मैं परास्त कर दूंगा, है बात बात में इनको परास्त कर दूंगा। इतने में वो पंडित ने श्री जीव गोस्वामी को बोले, जिस समय जीव गोस्वामी स्नान करके आ रहे थे, बोले भैया तुमने ये कर रहे हो लेकिन तुमने तर्पण नहीं किया। नियम होता है स्नान के बाद में पानी लेकर के ना जल से लेकर के तर्पण करते हैं, सूर्य देवता को प्रदान करते हैं, तर्पण करते हैं, इधर तुमने तर्पण नहीं किया। तब मेरे को याद नहीं आ रही एक उन्होंने कुछ श्लोक था, बहुत अच्छे अच्छे श्लोक था, वो श्लोक में ये बता रहे हैं, बोले भैया तर्पण करेंगे जब शुद्ध होंगे, जब शुद्ध होंगे तब तर्पण करेंगे, लेकिन हम हर समय अशुद्ध रहते हैं। बोले कैसे? बोले जब हम भक्ति करते हैं उसमें दो काम होता है। बोले दो काम क्या होता है? बोले एक तो भक्ति करने पर भक्ति रूपी संतान की जन्म होता है, भक्ति करो तो भक्ति रूपी संतान की जन्म होता है। दूसरा क्या काम होता है? जो अभक्ति जो अविद्या है वो नाश हो जाती है।
एक तो भक्ति रूपी संतान की जन्म होगा और अभक्ति अज्ञान रूपी जो है जो अंधकार है वो नाश हो जाता है। जन्म लेना भी एक अपवित्र है। हम कहते हैं जब जन्म लेते हैं, जब जन्म लेते हैं हम सूची अशुचि मानते हैं ना, जन्म लेने पर 10 दिन माता घर आते हैं, लेकिन जब मरते हैं तभी अपवित्र है, 13 दिन तक शुद्ध किया होता है। इसलिए कहते हैं भक्ति करने पर क्या हो रहा है, भक्ति रूपी संतान की प्रसव होता है दुहिता की, और अज्ञान रूपी अंधकार रूपी जो पत्नी ये मरती है। कहते हर समय तो ये दो अपवित्र लगा हुआ है, ये दो अपवित्र हर समय लगा हुआ, पर हम संध्या वंदना हम कैसे कर सकते हैं, हम इस संध्या वंदना को कैसे कर सकते हैं। वहाँ पर दो श्लोक है, अभी वो दो श्लोक मेरे याद नहीं मिलते हैं, लिखा हुआ है बहुत अच्छी। उन्होंने जो प्रश्न की वो ऐसे उन्होंने उत्तर दिया ना, वो सोच रहा था पंडित बात बात में इनको मैं परास्त कर दूंगा, लेकिन जीव गोस्वामी भी बात बात में उसका बात खंडन करते हैं। बोले भैया ये तो बहुत बड़ा विद्वान है, ये तो बहुत बड़ा विद्वान है, इसलिए कहते कहते वो पहले आकर के श्री रूप गोस्वामी को पास में उन्होंने बोले मेरे से शास्त्रार्थ करो, इसलिए लेकिन जय पत्र दो। जय पत्र मतलब है मतलब अब हार गए लिख दो, हार गए तो लिख दो, इसलिए उन्होंने लिख दो। लेकिन कहते श्री रूप गोस्वामी ने ये चीज़ को उन्हें लिख दिए, भैया मैं हार गया, लेकिन जीव गोस्वामी उसको छोड़ेंगे, जीव गोस्वामी उसको छोड़ेंगे, जीव गोस्वामी ने उसको बात बात में ही उनको परास्त कर दिया है। इसलिए कहते श्री जीव गोस्वामी की बहुत बड़ा अवदान है। बोले क्या इनके अवदान है, कहते इनकी जो शिक्षा शिष्य तीन इनकी शिक्षा शिष्य है, नरोत्तम श्यामानंद और श्रीनिवास, इनकी ये तीन शिक्षा शिष्य है, और उन्होंने इनकी कृपा से ही कहते श्री श्यामानंद प्रभु को जब इन्होंने बोले राधा रानी की सेवा करो, जब तक सेवा नहीं करो तो मेवा नहीं मिलेगा, जब जा करके निधुवन में झाड़ू लगाया करते थे तो राधा रानी के चरण की नुपुर श्यामानंद को प्राप्त हुआ। बोले किसकी कृपा से, बोले जीव गोस्वामी कृपा से, और जीव गोस्वामी ने ये बताए ये नुपुर जिसका चरण की उनको ही पहनाना होगा, दूसरों को पहनाना नहीं, इसलिए ललिता मिश्र का मांगने के लिए आए उन्होंने नहीं दिए। बोले नहीं, जिनके चरण के नुपुर में उनको प्यार नहीं पहनाऊंगा। तब राधा रानी स्वयं आई, तब उन्होंने राधा जी के चरण में नुपुर पहनाए। बोले किसकी कृपा, बोले जीव गोस्वामी की कृपा। और श्री नरोत्तम दास ठाकुर उन्होंने ये तीनों को शिक्षा दिया है, तीनों को शिक्षा दे करके तीनों को तीन तरफ में उन्होंने भेजा है। कहते श्री श्यामानंद प्रभु को कहाँ भेजा, बोले उड़ीसा में, उड़ीसा अभी भी श्यामानंद प्रभु का स्थान है, मंदिर है उनका, प्रकटित विग्रह अभी अभी उड़ीसा में, जो उड़ीसा में जो भक्ति थोड़ी बहुत दिखती हैं ये इनकी कृपा है। और उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को कहाँ भेजा, इन्होंने भेजा, उन्होंने भेजा, उन्होंने मणिपुर में भेजा नरोत्तम दास ठाकुर को, और ऐसे उन्होंने प्रचार किया। पहले तो उन्होंने राजा को जाकर के पकड़ा, हैं राजा को पकड़ा, पकड़ करके पहले उनको ही चेला बनाया। अगर राजा अगर चेला बन जाए ना, सबके सब अपने आप चेला बन जाते। इसलिए अभी भी इनकी प्रभाव, नवद्वीप परिक्रमा में जाओगे ना देखोगे, अभी भी मणिपुर के लोग देखोगे जो स्त्रियाँ हैं ना अभी भी लाल कपड़ा पहनती हैं, नीचे नीचे देखोगे लाल कपड़ा, ऊपर में सफ़ेद कपड़ा, और अभी भी तिलक तिलक, क्योंकि राजा को उन्होंने परिवर्तन किया, पूरा मणिपुर बदल गया। कहते वहाँ पर महाप्रभु का मंदिर है, जब आरती होती है ना 108 मृदंग एक साथ में बजते हैं, 108 मृदंग बज करके महाप्रभु की आरती, अभी भी इनके प्रभाव वहाँ पर दिखाई पड़ता है। और श्यामानंद प्रभु उन्होंने किधर प्रचार कर, बंगाल में, नरोत्तम श्रीनिवास, श्रीनिवास प्रभु उन्होंने बंगाल में ये श्रीनिवास प्रभु प्रचार किया है। इसलिए उन्होंने तीन ऐसे चेले को बनाए जो तीन देश को उन्होंने पूरा उनकी कल्याण कल्याण कर दिया। अब जिनकी धारा अभी धीरे धीरे इनकी धारा अभी भी उसी धारा में, भक्त लोग उसी धारा में हैं, है उसी धारा में, इसलिए इनकी एक बहुत बड़ी एक देन इनकी है। कहते इन्होंने इन्होंने जो ग्रंथ बनाए, एक ग्रंथ विशेष ग्रंथ है इनका हरि नामामृत व्याकरण, अद्भुत है हरि नामामृत व्याकरण,
व्याकरण उन्होंने जो उन्होंने देखा भक्ति जगत में जो आएंगे संस्कृत पढ़ने का जरूरत है, क्योंकि जब तक तो थोड़ी बहुत संस्कृत ज्ञान नहीं हो ना, और गीता भागवत पुराण सब संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, अभी इस चीज़ को समझेंगे कैसे। लेकिन जो लोग भक्ति में आ गए, जो आयुन रिलीक आयुष भाईवर ये सब सूत्र है, पाणिनि सूत्र है, जिसमें कोई भगवान का नाम का कोई नाम गलत नहीं, जिसमें कुछ नहीं है, इसलिए अभी जो व्यक्ति भक्ति में आ गया उनको तो और कोई चीज़ अच्छी लगेगी नहीं, इसलिए उन्होंने ऐसे व्याकरण बनाए हरि नामामृत व्याकरण, जिसमें शब्द धातु सूत्र को उन्होंने हरि खड़गा हरि बेड़ा हरि हरि कमल हरि ऐसे ऐसे उन्होंने ठाकुर को ऐसे नाम दे दे करके सूत्र बनाए। जब आप वो व्याकरण को पढ़ोगे व्याकरण का ज्ञान तो अपने आप हो जाएगा तुम्हारी, और उसको साथ साथ में भगवान का नाम हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ऐसे भगवान का नाम को दे दे करके उन्होंने नाम को दे दे करके उन्होंने बनाया अद्भुत व्याकरण बनाया। बोले इसका सूत्र कहाँ से मिला, कहते इसका सूत्र मिला जिस समय श्रीमन महाप्रभु हाँ गया में गए थे, जब पिताजी की गया के पिंड देकर वापस आए, फिर जब महाप्रभु तो पढ़ाते थे बच्चों को, महाप्रभु जो पढ़ाने के लिए गए हर सूत्र प्रति टीका में केवल उन्होंने भगवान का नाम को ही व्याख्या की। बोले संधि मतलब क्या, जैसे संधि होता है ना, बोले संधि होता है एक कृष्ण का चरण और एक भक्त का मन, जब जो दोनों मिल जाए कल्याण कल्याण मिल जाए। बोले धातु संस्कृत जन संस्कृत धातु, बोले धातु रूप में तो भगवान बैठे हैं, अगर धातु निकल गया तो सब निकल गया, तो धातु रूप में तो ठाकुर जी बैठे हैं, इसलिए ऐसे 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 उन्होंने शब्द धातु सूत्र वृत्ति टीका सकल हरिनाम, उन्होंने हर सूत्र वृत्ति टीका में हरि का नाम उन्होंने व्याख्या किया अद्भुत रूप में, हरि की नाम व्याख्या किया। इतने में जो छात्र लोग थे उनका जो गुरु जी गंगादास पंडित को शिकायत किया कि जब से गया आए तब से ये पढ़ाते नहीं, केवल भगवान का नाम नाम भगवान की भक्ति भक्ति व्याख्या करते हैं, महाप्रभु चैलेंज करते हैं। बोले मैंने जो व्याख्या किया जगत में किसको बुलाओ, कौन इसको खंडन कर सकता है, कौन इसको खंडन कर सकता है, हर चीज़ में तो ठाकुर जी बैठे हैं ना, तभी तो दुनिया चल रही है। ऐसे उसी सूत्र को आधार करते हुए कहते श्री सनातन गोस्वामी ने थोड़ी सी उन्होंने भी हरिनाम में व्याकरण बनाए, उसको सूत्र रूप में थोड़ी सी लिया, लेकिन जीव गोस्वामी इसको विस्तृत रूप में प्रथम मध्यम और अंत तीन खंड में उन्होंने आद्य मध्य और अंत रूप में उन्होंने ग्रंथ बनाए हरिनामृत व्याकरण, जो कि हमारे संप्रदाय में अनमोल ग्रंथ है, अनमोल ग्रंथ है। इसलिए और उनकी एक ग्रंथ है जिसका नाम गोपाल चंपू, देखो जो व्यास देव हुए हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत में कृष्ण लीला का वर्णन किया, लेकिन इन्होंने अद्भुत रूप में जो नाल कुबेर और मुनिगिरि, नाल कुबेर और मुनिगिरि जब इनकी कुबेर का जो बच्चे थे जब इनको उधार किए, कभी एक स्वरूप में तो स्वर्ग में नाल कुबेर और मुनिगिरि बन करके गए, दूसरे स्वरूप में मधुकंठ और सिद्धकंठ बन करके वो गए गोलोक वृंदावन में गए। हाँ ये जीव गोस्वामी कहते ये गोलोक वृंदावन में गए, एक तो सवेरे कृष्ण लीला की जो बाल लीला की वर्णना करते हैं और शाम को कृष्ण के जो मधुर लीला, ये गोलोक वृंदावन में नंद बाबा का दरबार में ये दोनों टाइम कृष्ण लीला कथा सुनाते हैं। जिसने उन्होंने गोपाल चंपू ग्रंथ जो उन्होंने लिखा है हाँ गोपाल चंपू अद्भुत ग्रंथ जिसमें कृष्ण लीला की अद्भुत रूप में व्याख्या किया, इसलिए कहते जो जीव गोस्वामी जैसे व्यास देव ने जैसे भागवत में कृष्ण लीला वर्णना किया है, लेकिन कभी कभी वो आवेश में आ करके जो पहले लीला बोलनी चाहिए उसको बाद में बोल दिए, जो बाद लीला उन्होंने पहले बोल दिए, क्योंकि उनको जब कथा बोल रहे थे ना श्री सुखदेव गोस्वामी, जैसे टीवी में सीरियल आती हैं वो तो देख देख करके बोल रहे थे बोल दिए, लेकिन उन्होंने कहाँ पर क्रम को भंग किया, क्रम उन्होंने कहाँ भंग किया, किसको पहले बोलना चाहिए था किसको बाद में बोलनी चाहिए, तब जीव गोस्वामी बोले नहीं ये लीला पहले और ये लीला बाद है,
सुखदेव गोस्वामी उन्होंने क्रम भंग कर दिया, क्योंकि भाभा वैष्णव में उन्होंने ये बात को बोल दी। इसलिए श्री जीव गोस्वामी ने, कोई कोई कहते हैं इन्होंने सक्यावाद को स्थापन किया, हाँ सक्यावाद को हमारे गोस्वामी लोगों ने परक्यावाद को स्थापन की, उन्होंने सक्यावाद को स्थापन किया, कोई कोई इसी विषय पर कुछ बात करते हैं, कोई नहीं, कुछ अपना इच्छा कुछ दूसरों को इच्छा से उन्होंने ये किया। क्योंकि इसलिए जीव गोस्वामी हमारे संप्रदाय का तत्वाचार्य है, तत्वाचार्य होने का नाते जो परक्या जो प्रेम है, अभी जो साधारण जो जीव है ये चीज़ को समझ नहीं सकते, ये परक्या प्रेम क्या है, उसमें दुर्लभता प्रचन्न कामुकता जो चीज है जो दिए, जो अद्भुत अद्भुत जो उसमें चीज दिए हैं, कि जो साधारण जो जीव है ना ये चीज़ को समझ नहीं सकते। इसलिए और हमारे संप्रदाय में तत्वाचार्य हैं, लोग ये चीज़ को कोई उत्पटा का समझ नहीं बैठे, इसलिए कभी कभी लगता है जिस ऊपर से उन्होंने, जैसे उन्होंने सख्यावाद को स्थापन किया, लेकिन तत्व तो ऊपर में सख्यावाद है, लेकिन हृदय में इन्होंने परक्या प्रेम को इन्होंने स्थापन किया है। इसलिए इनकी बहुत सारे ग्रंथ है, देखो क्या क्या ग्रंथ है, कहते एक ग्रंथ तो हो गया हरिनामृत व्याकरण, दूसरा हो गया सूत्र मालिका, तीसरा है धातु संग्रह, चौथा है कृष्ण अर्चन दीपिका, पंचम है गोपाल बिरुदावली, छठवा है रसामृत, शेष माधव महोत्सव, माधव महोत्सव ग्रंथ को रचना किया इन्होंने, और जो अष्टम है संकल्प कल्प वृक्ष, नवम है भावार्थ सूचक, चंपू गोपाल तापनी टीका बोले ब्रह्म संहिता का टीका, रसामृत जो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का उन्होंने टीका लिखा, उज्ज्वल निर्मणिका उन्होंने टीका लिखे, हाँ योग राज स्तवक का टीका, अग्नि पुराण गायत्री भाष्य को उन्होंने लिखे, पद्म पुराण तो कृष्ण का जो चरण चिन्ह है, कृष्ण के चरण में क्या क्या चिन्ह है उसको भी लिखे, राधा रानी के चरण में क्या क्या चिन्ह हो पाए उसको भी उन्होंने लिखे, गोपाल चंपू का पूर्व विभाग उत्तर विभाग को लिखे, फिर उन्होंने 60 संदर्भ लिखे जिसमें क्रम संदर्भ, तत्व संदर्भ, भगवत संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, कृष्ण संदर्भ और भक्ति और प्रीति संदर्भ, उन्होंने ये 6 संदर्भ लिखे, हाँ 6 संदर्भ को इन्होंने लिखे हैं। इसलिए कहते इन्होंने हमारे संप्रदाय में जो उन्होंने काम करके गए, एक अद्भुत रूप में अद्भुत काम किया, जो ग्रंथ जो पढ़ेंगे अद्भुत अद्भुत रूप में ग्रंथ में भक्ति तत्व को उन्होंने स्थापन किए। इसलिए हम सबके साथ इनके चरण में ऋणी हैं, वे हम सबको ऊपर में कृपा करे, जैसे उन्होंने जैसे उन्होंने सिद्धांत को स्थापन किए, ये ग्रंथ को हम पढ़ सके और भक्ति जगत में भक्ति तत्व सिद्धांत में स्थिर होकर के हम जीवन भर जैसे भगवान की भक्ति कर पाए। इसलिए श्री जीव गोस्वामी हम सबको ऊपर में कृपा करें। बोले श्री जीव गोस्वामी की जय। बोले श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की जय। बिताई गौर प्रेमानंद देव हरि हरि। ओ मेरे मोबाइल क्या